हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार अपने चैनल सीके लाइफ चेंजिंग में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं वर्तमान में कौन क्या है। तो चलिए, हम यह वीडियो उस मकसद से लाए हैं, उनके लिए लाए हैं जो वर्तमान में कौन क्या है उनको पता नहीं है और भारत में ही रहते हैं। तो मैं उनके लिए लाया हूँ जो उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है, एनजीटी के प्रमुख कौन है? आदर्श कुमार गोयल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आदर्श कुमार गोयल हैं, इनका फ़ोटो भी है। एनजीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए आगे चलते हैं। सीपीसीबी का अध्यक्ष, सीपीसीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। और इनके हैं अध्यक्ष सीपीसीबी का एसपी सिंह परिहार। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है प्रथम लोकपाल हैं जो पीसी घोष हैं। और सीबीडीटी का अध्यक्ष अगला है, सीबीडीटी का अध्यक्ष सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स प्रमोद चंद्र मोदी। तो सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। चलिए अगला नेक्स्ट चलते हैं। बीएसएफ के प्रमुख, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं जो बीके जौहरी है। अगला चलते हैं, जो आईटीबीपी का होता है फुल फॉर्म इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। और इनके हैं जो प्रमुख है आईटीबीपी का, जो सुरजीत सिंह देसवाल हैं। चलिए अगला चलते हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनके जो प्रमुख हैं सीबीआई के प्रमुख हैं ऋषि कुमार शुक्ल हैं। अगला चलते हैं। आरपीएफ के प्रमुख, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है, इनको आप याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर फुल फॉर्म याद नहीं रहता है, हमको समझ में नहीं आता है कि यह क्या है, तो इसलिए फुल फॉर्म भी याद होना ज़रूरी है। आरपीएफ का होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि हैं अरुण कुमार। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इनके प्रमुख हैं आर एस शर्मा हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, यूपीएससी के प्रमुख हैं अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट चलते हैं नौसेना के प्रमुख। अगर आपको, यह बहुत से स्टूडेंट 10+2 के बाद एग्ज़ाम देते हैं एयरफोर्स का, और वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता रहता है कि इसका नौसेना का प्रमुख कौन है, और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, तो उनके लिए खास कर है, वो जल्द से जल्द याद कर ले इसे। तो नौसेना के प्रमुख हैं करमबीर सिंह। और थल सेना के हैं, जो कि नेवी को कहा जाता है, वो बिपिन रावत हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीबीआई के प्रमुख, इसका जो फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हैं अजय त्यागी। अब अगला नेक्स्ट चलते हैं। सीआईडीबीआई के प्रमुख, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला नेक्स्ट चलते हैं। महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा है, और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के अध्यक्ष नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, जो वाईसी मोदी हैं। चलिए अगला नेक्स्ट चलते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो कि हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और अगला नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोभाल। अगला चलते हैं। पंद्रहवा वित्त आयोग हैं हमारे एन के सिंह। 15वां वित्त आयोग है, आपको पता होगा एन के सिंह है। और फिर अगला नेक्स्ट चलते हैं।
सातवां वेतन आयोग है जो अशोक कुमार माथुर है। अगला नेक्स्ट चलते हैं, सशस्त्र सुरक्षा बल प्रमुख कुमार राजेश चंद्र हैं। सशस्त्र सुरक्षा बल कौन है? कुमार राजेश चंद्र हैं। और अगला नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? एच एल दत्त हैं। अगला चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रेलवे का भी बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं लेकिन इनको ये भी नहीं पता होता है कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो उनके लिए भी ये खास है क्वेश्चन, तो याद कर ले जल्द से जल्द। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो विनोद कुमार यादव हैं। अगला नेक्स्ट चलते हैं, प्रसार भारती के प्रमुख डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश हैं। वायुसेना प्रमुख जो कि राकेश सिंह भदौरिया हैं। और बीएआरसी के फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि हैं अजीत कुमार मोहंती। आरबीआई के गवर्नर, ये भी इम्पोर्टेंट है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। एसबीआई के प्रमुख रजनीश कुमार हैं। इसरो के प्रमुख शिवान, इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के अध्यक्ष डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट जी सतीश रेड्डी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि हैं सुनील अरोड़ा। और यहाँ पर आगे नेक्स्ट चलते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि हैं सुधीर भार्गव। और आगे चलते हैं, महन्यवादी जो कि हैं के वेणुगोपाल। और अगला नेक्स्ट चलते हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं जो तुषार मेहता हैं। और अगला नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो कि हैं राजीव महर्षि हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे, जो कि ओम बिरला हैं। और राज्यसभा के नेता कौन है? जो थावरचंद्र गहलोत हैं। सीआरपीएफ प्रमुख की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स राजीव राय भटनागर हैं। और अगर नेक्स्ट चलते हैं, आईबी प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि हैं अरविंद कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है? अरविंद कुमार। राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है राव का फुल फॉर्म, जो कि हैं सामंत गोयल। भारतीय तटरक्षक दल के प्रमुख कौन है? इंडियन कास्ट गार्ड जो कि हैं के नटराजन। गृह सचिव कौन है हमारे? अजय कुमार भल्ला। आगे चलते हैं, पीएम के जो प्रधान सलाहकार होते हैं उनका भी नाम इम्पोर्टेंट, उनको भी नाम याद रखना चाहिए जो कि हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। चलिए अगला नेक्स्ट चलते हैं, ऊर्जा सचिव हैं जो सुभाष चंद्र गर्ग हैं। पीएम निजी सचिव हैं जो विवेक कुमार हैं। कैबिनेट सचिव हैं हमारे जो राजीव गौबा है। लोकपाल सचिव हमारे हैं जो ब्रिज कुमार अग्रवाल हैं। राजस्व सचिव जो है हमारे अजय भूषण पांडे हैं। वित्त सचिव राजीव कुमार हैं। अगला नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारे हैं सुखबीर सिंह संधु। और अगला नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स प्रमोद कुमार तिवारी हैं। और अगला चलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे हैं अनुपम कुमार सिंह। भारतीय विमानन प्राधिकरण हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि हैं अरविंद सिंह। एनजी अब हो गया, यहीं तक था मेरा वीडियो।
अगर वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करना नहीं भूले और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे बताएं कि कैसा वीडियो चाहिए और कौन सा लेवल पर चाहिए, किस चीज़ का वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। थैंक यू। ओके।